और ये वाली जो वाइप्स है ये थोड़ी महंगी है, 2.5 की। बट और यहाँ पे ये सारी जो नैपीज हैं ये हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं ये वाली। और इनके पैरफिट में भी स्कूल के स्पेशल्स हैं, तो यहाँ पे बैकपैक मिल रहा है $15 का। और भाई बहनों, तो ये वाला जो ब्लॉग है इसमें मैं विदाउट एनी म्यूजिक बहुत ही सिंपल टाइप का बस वीडियो विथ नेचुरल जो एम्बियंट साउंड है उससे मैं वो डाल रहा हूँ। तो कमेंट डाउन बिलो कि कैसा लग रहा है, कि शैल रिवर्ट बैक टू ओरिजिनल एडिटिंग। हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग, मेरा नाम है सौरभ राय और आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स। आज की तारीख है 6 जनवरी 2024 दोपहर का वक्त हो रहा है। खाना वाना खा के बच्चों का हो गया है, हम लोग ने खाना नहीं खाया और आज हम लोग का प्लान है जाने का थोड़ा बहुत शॉपिंग करना। तो शॉपिंग करने तो यहाँ पे करेंगे थोड़े बहुत बच्चों की शॉपिंग, तो एक आइडिया मिल जाएगा आप लोग को भी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बच्चे पालना, साउंड बैड करता है बट एनीवे, पालना कितना महंगा हो सकता है। तो नैपीज खरीदेंगे, थोड़ा बहुत मिल्क पाउडर और ये सब जो होता है वो सब खरीदेंगे। और सैटरडे का दिन है, मेरा जो छुट्टी है वो खत्म होने वाली है, ट्यूसडे को मैं भी जाऊंगा काम पे, तो एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं आएगा। और नया काम ये हुआ है कि मैंने ये फिस्पटी की माला पहनी है जिससे थोड़ा दिमाग शांत रहे, बहुत जरूरी हो जाता है कभी कभी। और बट उससे पहले, कहीं बाहर जाने से पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक शावर। और भाई बहन तो हो गए हैं तैयार, अभी ऑल्डी जाना है, कॉस्को जाना है या फिर कोल्स वूली जाना है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट बच्चों की शॉपिंग करनी है और थोड़ी बहुत घर की भी शॉपिंग करनी है, दैट आई एम श्योर अबाउट। तो चलते हैं थोड़ी देर में जब शनाई उठ जाए। बहुत दिन बाद मैंने अपना ये मैन पर्स निकाला है और ये इसलिए निकाला है ताकि चीजें कैरी करना, पर्स, वॉलेट, एयरपॉड्स, चाबियां इजी है। और अगर नहीं कैरी करूँ फॉर एग्जाम्पल ये, तो शनाई ये निकाल के फेंक देती है, तो उससे बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा दुष्ट है वो, उसे बचाने के लिए सब कुछ सेफली रखना पड़ता है मैन पर्स में। चल रहा है बिग बॉस जो है इसका फेवरेट सोनी का, अभी खा रही है सैलेड। और भाई मैंने तो जैसे मैंने पहले बोला है कि 2024 में हम लोग का ट्रेवल करने का प्लान है थोड़ा बहुत बाहर, तो उसकी प्रिपरेशन में एक काम जो मैंने किया है कि अपने फोन से जो फिजिकल सिम कार्ड है ये वाला टेस्ट्रा का, वो निकाल के मैंने इंस्टॉल कर लिया है ई सिम। उसका फायदा ये होता है कि कोई दूसरी कंट्री में लैंड करो तो वहां पे एयरपोर्ट से ही प्रीपेड सिम कार्ड ले सकते हैं फिजिकल वाला और अपने फोन में डाल सकते हैं। तो जो करंट नंबर है, जो करंट व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स हैं वो सब कुछ रहेगा और लोकल कंट्री का भी नंबर मिल जाएगा। तो उसका प्रिपरेशन के लिए जस्ट एक टिप, जस्ट इन केस यू गाइस आर प्लानिंग टू गो आउट एज वेल। और एक चीज जो मैंने एक शॉर्ट्स डाली थी कि साइश पार्क में स्टंट्स कर रहा है और उसका जो साइकिल का टायर है वो पूरा घिस गया था, मतलब बेसिकली बर्न आउट हो गया था, तो मैं पहले टायर दिखा देता हूँ, वो भी रिप्लेस करना है आज। तो ये है इसकी साइकिल, जमीन पे पड़ी भी, लाइक नो टुमारो। और ये पूरा टायर छिल गया, तो ये क्या करता है, उसको तेज से चलाएगा, उसके बाद स्किट करेगा, और ये बात अभी मेरी बाइक स्किट करेगा और पूरा टायर बर्न आउट हो गया। 4-5 साल चल गया टायर, नहीं 5 साल तो नहीं, सॉरी 4 साल चल गया टायर, तो मेरे ख्याल से इसकी लाइफ हो गई है। तो इसका हम लोग ने लिया है नंबर जो होता है 16x1.95। इसका जो वैल्व होता है, एक दो टाइप के वैल्व होते हैं, श्लेंडर्स और प्रेस्टा, तो इसका ये वाला है। एक्चुअली डजंट रियली मैटर, हमारे पास जो पंप है वो दोनों पंप करता है। उसके बाद टायर लेके आएंगे, ट्यूब भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेंज कर देता हूँ और फिर घर में आकर खुद ही चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके ट्यूब्स ऑलरेडी एक बार मैंने चेंज कर चुके हैं। तो साश, व्हेन वी गो शॉपिंग रिमाइंड मी टू गेट द अदर टायर्स एज वेल, एंड व्हाट विल वी डू विद द साइकिल देन? वी गेट द टायर ऑफ एंड देन वी रिप्लेस इट विद द अदर टायर। एंड हाउ डिड दिस हैपन, टेल मी हाउ डिड दिस हैपन? Skidding and the tire burnt out. And how were you skidding? I was going fast and then I hit the where we missed the tire from. Okay. और इसका भी थोड़ा बहुत काम कराना है, तो अभी तो नहीं, अभी बहुत सब कुछ चल रहा है, तो फरवरी में मुझे इसकी सर्विसिंग करानी है, प्लस थोड़ा सा डी रेटिंग का इशू आ रहा है इसका। नथिंग रॉन्ग विद द बाइक, ये अभी स्टिल ब्रांड न्यू है, थोड़ा डी रेटिंग का इशू आ रहा है। एयरपोर्ट पे पार्क थी और पार्क्ड होते हुए मैंने, बाय द वे, मेन स्टैंड पे पार्क किया था,
ये गिर गई थी और यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। तो ये सब बाइक्स में ये सब होता ही है, कोई बहुत वो कंसर्न की बात नहीं है, बट इसको जाके चेक कराना है तो फरवरी में करा जाएगा वंस थोड़ी एक दो अभी चीज़ें चल रही हैं वो ज़्यादा प्रायरिटी है, एक बार वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ये इसका काम करा जाएगा। यस नाउ स्टॉक ओके यू कैन क्लीन इट मे बी टुमारो। और एक और बात है, मेरे भाई का, मेरा छोटा भाई जो न्यूजीलैंड में रहता है उसका एक यूट्यूब चैनल है तो उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। 30 सब्सक्राइबर्स बाकी हैं 1000 क्रॉस करने में, तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद है तो उसका भी कंटेंट जाके चेकआउट करिए उसको, वो शेफ है वहाँ पे, तो लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग और फूड रिलेटेड ब्लॉगिंग दोनों होती है तो मजा आएगा, तो डू चेक इट आउट, पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करिए प्लीज। अरे यहाँ पे सोनी क्या खा रही है, शेयर भी करो। अभी पहले कुछ अलग की थी, अभी ये कर रही है। और 33 डिग्री हो रहा है अभी, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, इतनी गर्मी हम लोग झेल नहीं सकते हैं, तो घर में बेसिकली एसी ऑन करके हम लोग बैठे हुए हैं। अभी साहिश पूछा कि कहाँ पे जाना है तो मैंने बोला कि शनाया बहुत ज्यादा परेशान कर रही है तो उसको जाके रिप्लेस कर रहा है, नया बेबी लेके आ रहे हैं, तो इतना ज्यादा सेंटी हो गया कि अभी बैठ के रोआ आधा घंटा 15 मिनट। तो आजकल के बच्चे ऐसा जोक समझते ही नहीं है, उन लोग को जोक आते ही नहीं कुछ मजाक करना। साहिश वेर वी गोइंग साहिश, हाँ टू डू व्हाट? यस इसकी भी अलग ही कहानी है, तो मैंने अभी दो रिमोट ऑर्डर किए हैं अमेजोन से, तो वो आएंगे तो उसको प्रोग्राम करेंगे, तो दरवाजा ऑलरेडी सब कुछ, दरवाजे में कुछ खराबी नहीं है, बट रिमोट कहाँ गया? मुझे लगा मुंह में क्यों डाल रही है रिमोट। अच्छा तो रिमोट बहुत पुराना हो गया है तो उसको रिप्लेस करने का वक्त आ गया, तो नया रिमोट आएगा तो ये उठा के फेंक देंगे और नया रिमोट डाल देंगे यहाँ पे। फिर ऐसा वापस से तो हम लोग आए हैं यहाँ पे एलन ब्रुक सेंट्रल, यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे साइश के साइकिल का टायर लेंगे, तो मे बी के मार्ट में, मे बी बिग डब्ल्यू में मिल जाना चाहिए। एनीवे विल गो इनसाइड एंड हैव अ लुक। क्या और ये जा रहे हैं हम लोग के मार्ट, और यहाँ पे अभी क्रिसमस का डेकोरेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी उतारा नहीं है, मे भी शॉर्ट ऑफ स्टाफ होंगे ये लोग। और यहाँ पे $69.59 के मिल रहे हैं सूट केस, अगर किसको सस्ता वाला खरीदना है, ज़्यादा टिकेगा तो नहीं आई थिंक, और सबसे बड़ा वाला है 89 का। और तो यहाँ पे टायर ट्यूब तो मिल गया है $6 का, तो 1.95 इंच का लेना था और ये है इसका रेंज, तो ये सही है। और अभी देखना है टायर, और यहाँ पे ट्यूब तो है बट टायर नहीं है, तो डिसअपॉइंटिंग, मे बी कोई और दुकान में देखना पड़ेगा, नहीं तो ऑनलाइन सर्च करना पड़ेगा टायर के लिए, कष्ट हो गया। और यहाँ पे कैंपिंग वैम्पिंग का भी काफ़ी सब सामान मिलता है, ये $3.5 की कप्स हैं, ये तो कॉफ़ी वाला है, ये ब्यूटेन गैस मिलता है, स्क्रू ऑन गैस अगर किसको स्टोव चलाना है, $4.50 का सिलेंडर, और ये $4.50 का 3 कैंस, और ये सब मेटल ब्रॉन्ज के, ये बोल है, दिखने में कुत्ते का बोल लग रहा है बट स्टेनलेस स्टील का है, बहुत ही लाइट है। और ये बारबेक्यू का किट 22 का, और ये सब स्टडी हार्डी प्लेट्स। और यहाँ पे जिराफ के बाजू में है खड़ा वो यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न के शक्ल पे लगाया कि लग रहा है फोड़ा हुआ हुआ उसको, बट नहीं है, शक्ल इसकी ऐसी है। और अभी आ ही गए तो साइश के जो स्कूल के शूज हैं, एक हम लोग ने ले लिया था बट वो ब्रांड वाला है, तो ब्रांड वाला मेरे ख्याल से स्कूल में नहीं चलता है, यहाँ पे चाहिए होता है इस टाइप का जिसपे ब्रांड का डिजाइन ना हो, क्यों ऐसा बोला गया है, तो यहाँ पे देखते हैं। ये सब $35 के हैं, 24 का ये है, ये चल जाएगा इस टाइप का कुछ। और इसके राइट ऑपोजिट
लेडीज शूज, इनको मान में प्लेसमेंट कैसे करना है। यहाँ पे आएंगी सारी मम्मियाँ देखने स्कूल के जूते, तो यहाँ पे उनका जूता डाल दो, तो ये भी लेके जाएंगे। हाउज इट? हाँ थोड़ा बड़ा ही लेना है क्योंकि ऑलरेडी एक है इसके पास, तो आई थिंक दिस वुड बी फाइन। और तो दो, एक ये है जो सिंथेटिक है, ये $14 का है, सस्ते हैं काफ़ी। और ये है लेदर का, ये है आई थिंक 24 नहीं तो 35 का, 24 का, तो ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, ये रख देते हैं वापस। और यहाँ पे अराउंड 10-10 डॉलर के मिल रहे हैं चिकन, मशरूम फिलो, क्रैप, वेजी स्क्रोल, कॉर्न फ्रिटर्स, रोल्स हैं, और ये थोड़ा बहुत डिजर्ट्स आगे। और यहाँ पे कैंडी एली है, पूरी दुकान भर के कैंडीज, तो इससे थोड़ा दूरी रहते हैं, भी जरूरत नहीं है कैंडीज की। और यहाँ पे शायद जब भी आता है तो इस दुकान से सुशी ज़रूर लेता है, तो आई एम श्योर अभी शनाय का चेंज करने गए हैं डायपर, एक बार वापस आएंगे तो यहाँ पे भी सुशी ली जाएगी इसके डिनर के लिए। और एक ये पावाओ किचन सेल्फ सर्व। और तो लिए हैं सुशी, सम फॉर साय, सम फॉर अस फ्रॉम दिस शॉप। और भाई बहनों तो भी आए हम लोग ऑल्डी इन एलन ब्रुक, लेट्स गो इनसाइड जहाँ पे थोड़ी सर्दी हो। और यहाँ पे क्या बोलते हैं जो लोग हैम वैम खाते हैं उसके लिए $4 के हैम के पैकेट मिलते हैं, और चिकन स्लाइस रेडी टू ईट, ये भी स्पेशल पे $6 का मिलता है इतना, तो इसका सैंडविच वैंडविच बना लो, ये पके पकाए मिलते हैं। और उसके अलावा उसका अलावा सॉरी सलामी 3.5, ये स्नैक स्टिक्स मिलती है जो मिक्स मीट और ये सब होता है, $4 का ये स्नैक्स के लिए अच्छा है। और बाकी ये सब बेकन, और यहाँ पे प्रॉपर अच्छे क्वालिटी वाला जो जूस है, नथिंग बट जूस, पेयर, पाइनएप्पल, कला मानसी, आरनो, लाइची, लीची, $5 का, काफ़ी महंगे हैं कंपेयर टू ये सब जूसेस, जिसमें डिपेंड कौन सा वाला है, कुछ कुछ होते हैं जो फ्रूट ड्रिंक बोलते हैं जिसको, जिसमें कुछ परसेंटेज जूस होता है, बट बेसिकली अदरवाइज शुगर सिरप होता है, तो चेक करके लेना चाहिए। और तो यहाँ पे बच्चों के स्कूल में सीड्स का कुछ नहीं दे सकते हैं एलर्जी, तो ये सब पेरीज वेरीज नॉर्मली देते हैं, $4.5 $5 की ये सब है। और ये क्या है, निबल्स, ऑर्गेनिक कोको, बेसिकली चॉकलेट, कोकोनट फ्लेक्स, इसके लिए अंजीर हाँ ले लो। और उसके अलावा ये सब सुल्ताना जो बेसिकली किशमिश इतने का। और इन लोग के चिप्स नॉट टू बैड होता है $3 का, तो हम लोग लिए हैं ये वाला और चिली लाइन एक लेंगे। और अभी तो हम लोग ने काफ़ी सारे अनहेल्दी स्नैक ले लिए, बट हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शन में ये होते हैं बेक्ड पी के क्रिस्प्स, तो ये काफ़ी अच्छा होता है, बट महंगे भी होते हैं ऑब्वियसली। और ये सब काफ़ी हैंडी आता है, ये जूस बॉक्सेस साश जब मैं इसको पिक करता हूँ तो पीता है, पिक करके आते हैं तो रास्ते में पीता है, और इवन जब अभी जैसे खेल मिल रहा है तो ये थोड़ा दबा हुआ है, तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला ले लेंगे ट्रॉपिकल। और बाद में ये फ्रूट ड्रिंक है जिसमें 25% जूस होता है और बाकी शुगर सिरप। और ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे सूप्स मिलते हैं यहाँ पे, लाक्सा सूप जो हम लोग को पसंद है, पम्पकिन भी अच्छा होता है, मिनेस्ट्रोन आई थिंक इज प्रोनाउंस्ड एज फ्रेंच अनियन और चिकन, तो चलो सूप पी सकते हैं। हाँ ले लें, लाक्सा भी अच्छा है, ओके ले लेते हैं। और यह है बच्चों का खाने का, तो ये 4 महीने प्लस के अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं, एप्पल बनाना ब्लूबेरी, एप्पल बनाना पीच, पेयर एप्रिकॉट, ये 6 मंथ जो अभी शनाया के लिए हम लोग ले रहे हैं, एप्पल ओट मील, क्रीम पॉरेज, पम्पकिन एप्पल स्वीट कॉर्न, स्वीट पटेटो, कैरेट एप्पल, पी एप्पल, ब्रोकली, स्पिनच, कस्टर्ड्स, बनाना कस्टर्ड, एप्रिकॉट चिकन, ये शनाया का फेवरेट है, चिकन वेजिटेबल राइस, ये भी इसको अच्छा लगता है। और नीचे जो स्नैक्स हैं 370 के आसपास, 270 के। और यहाँ पे ये सारी जो नैपीज हैं ये हम लोग पहली बार ट्राई कर रहे हैं, ये वाली, ये अपेरेंटली हाफ प्राइस में मिल रही है, तो हम लोग ने सोचा कि ये भी ट्राई किया जाए, तो अलग अलग साइजेस हैं, ये वाला जो साइज़ है साइज 6, मालूम ये क्या लगा हुआ है, मेरा गलती नहीं है, ये साइज 6, 40 नैपीज जो 16 किलो बेबी का आता है,
ये है 40 नैपीज का पैक, 11.5 का तो 29 सेंट्स पर नैपी, और यही सेम प्राइस है मेरे ख्याल से। ये साइज 5 है उसे कम, ये है साइज 4 उसे और कम, 23 पर नैपी। ये 50 का पैक है 11.5 का, तो उतना ही पड़ रहा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे बेबी वाइप्स भी काफ़ी ठीक ठाक प्राइस में मिल रहे हैं, 189, तो ऑलमोस्ट $2 का। ये 80 वाइप्स का पैक है, और ये वाली जो वाइप्स है ये थोड़ी महंगी है 2.5 की, बट ये अपेरेंटली अच्छी होती है जो सूर्य ने मुझे बताया, प्रीमियम थिंकर सॉफ्ट, तो यही हम लोग ने ले दिया 3-4। और भयंकर लाइन है यहाँ पे चेकआउट पे, बहुत सारे रजिस्टर तो बंद ही हैं, और जो वो वाला रजिस्टर है वो दारू का भी है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं हो गए, यहाँ पे लगे हुए हैं। और इनके परफेक्ट पे भी स्कूल के स्पेशल्स हैं, तो यहाँ पे बैकपैक मिल रहा है $15 का, जूता मिल रहा है 24 का, लंच बॉक्स 15 का, सारी बुक्स 8-8 की, तो इट्स लाइक अ फेस्टिवल बैक टू स्कूल। तो चलिए फिर आज के इतना रखते हैं, छोटा सा प्यारा सा घरेलू वीडियो था। वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, बहुत पसंद आया कर दीजिए शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुलाकात होती है अगले वीडियो में। बाय।